बलौदाबाजार जिला में 26 जून से नए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहे हैं, जिनका जायजा लेने जनहितैषी कलेक्टर चंदन कुमार ने गुरुवार 6 जुलाई को जिले के विभिन्न स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। बलौदाबाजार विकासखंड के अंतर्गत प्राथमिक शाला भरसेली, प्राथमिक शाला रवान एवं पूर्व माध्यमिक शाला रवान में पहुंचकर बच्चों की पढ़ाई सहित अन्य शिक्षा संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक सामग्रियों का 100% वितरण, गणवेश वितरण, शिक्षकों की संख्या, मध्याह्न भोजन, गुणवत्ता, दर्ज संख्या, बच्चों की पढ़ाई स्तर शामिल है। पूर्व माध्यमिक शाला रवान में शिक्षक एलबी हरीश कुमार साहू अनुपस्थित मिले, बिना पूर्व सूचना एवं उनके आवेदन नहीं होने पर एक दिन का वेतन काटने सहित कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। उन्हें 7 दिवस के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने प्रधान पाठक को पत्रकार भी लगाया। कलेक्टर श्री कुमार बच्चों को भोजन करते देख गुणवत्ता का जायजा लेने खुद जमीन पर बैठकर बच्चों के संग भोजन किए, साथ ही बच्चों के द्वारा खाने के पहले प्रार्थना भी किया, जिस पर कलेक्टर ने शिक्षकों की भी तारीफ करते हुए कहा कि बच्चों में ऐसे संस्कार विकसित करने की जिम्मेदारी हम सब की है।